ने उसकी आज्ञा मान ली, सूरज उग गया ने, देख ले। उनको तो बाहर का चाइना पिक मिला, मुझे तो गुरु का अंतः पिक मिल गया। फिर तो हालांकि बापू को इतना पता ही नहीं था कि मैंने देखा है कि नहीं देखा, उन्होंने ऐसे ही हवाई मेरे निशाने पे था। मैं तो जो आदमी निशाने पे होता है उससे कैसा सलूक किया जाता है, और वो सारे आश्रम में जो भगत आते थे उनको वो अपने पक्ष में रखता था और मेरे पर निशान रख, देखो शादी किया, घर से भाग के आता, कमा नहीं सकता, इधर आके पड़ा है, इसको कुछ समझाओ। मैं एक दिन में 10 तोला सोना खरीद के कोने में रख दूं, इतना कमाता था। एक दिन में 10 तोला सोना, 15 तोला सोना खरीद के एक कोने में रखते, इतना कमाता था। फिर भी ईश्वर प्राप्ति के लिए गया, लेकिन वहां बोले देखो कमाने से भाग के इधर आ गया, और पत्नी उधर रो रही, माँ बाप इसके इधर रो रहे, इधर पड़ा है, इसको जरा समझाओ, जो भी भगत आवे। फिर भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि हमने भगवत आश्रय पकड़ा। अब उसने ऐसे ऐसे खेल किए, जब गुरुजी का शरीर शांत हुआ तो गुरुजी का ही यूनिफॉर्म सिला के रखी थी पहन के, साईं ने हमको गद्दी दे दी, मैंने बैठे भले गद्दी पे 2-3 महीना, फिर वो पेट की तकलीफ हुई और ऐसा एनीमा वेनीमा करके ऐसे ढंग से मरा कि हाय भगवान, उसकी करनी का फल देखकर हमको आके ईश्वर क्या क्या लीला करते। 32 साल पहले मर गया, मेरी उम्र का था, मेरे से 6 महीना बड़ा था, मैं 31.5 साल जिया उसके बाद भी, और अभी भी जीऊंगा, कईयों के मुंह पीसूंगा। तो कहने का तात्पर्य है वो बुरा है ऐसा नहीं बोलता हूं, लेकिन भगवत आश्रय लेने पर कितना भी विघ्न बाधा आ जाए टिकता नहीं। और भगवत आश्रय का इतना महत्व है कि सूरदास प्रीतम भी महान बन सकता है, रहीदास चमार भी महान बन सकता है, भैंस चराने वाले नानक देव भी महान बन सकते हैं, और राजा जनक भी महान बन सकते हैं भगवत आश्रय। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से, तो दुनिया का कोई भी आश्रय टिकेगा नहीं, और भगवत आश्रय लिए बिना कोई चारा नहीं। तो भगवत जनों के द्वारा ही भगवत आश्रय होता है, नहीं तो मूर्ति का आश्रय होता है, मठ मंदिर का आश्रय होता है, मजहब और पंथ का आश्रय होता है। पंथ वाले अपने पंथ में घूमते रहो, मंदिर वाले मंदिरों में जाते रहो, लेकिन जिसने भगवत जनों का आश्रय लिया उन्होंने भगवान को भी पाया और परिस्थितियों के सिर पर पैर रखकर ऊंचाई को छू लिया। मैंने देखा ऐसे लोगों को, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। कंठे सुधा वसति वही भगवत जनाना, जो भगवत जन है उनके कंठ में सुधा माना वो भगवत अमृत है, सूझबूझ का अमृत है। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य नाश होता है, लेकिन सत्संग अमृत पीने से अज्ञान नाश होता है, पाप नाश होता है, और भगवत प्राप्ति प्रसाद में मिलती, मुझे मिली है। गुरु के सन्मुख जाई के, गुरु के सहे कसोटी दुख, कह कबीरवा दुख पर कोटि वारू सुख। लोग आते थे ना, खाना बनता था, फिर हम बर्तन मांजते,
सेवा ले लेते थे, सारा दिन तो भजन नहीं होता, तो बर्तन मारते पहाड़ की मिट्टी तो हाथ में, नगर सेठ के बेटे भूतपूर्व, तो पहाड़ की मिट्टी से हाथ में थोड़ा उंगलियों में थोड़ा खून बह जाता, पट्टी बांध देते कहीं सेवा न छीनी जाए, सेवा करते थे, सब्जियां खरीद के ले आते थे हाथों से उठा के, पानी की बाल्टियां भर के ले पहाड़ पे ले जाते थे। गुरु के सन्मुख जाए के सहे कसोटी दुख, कह कबीर वा दुख पर कोटी वारूं सुख। तुम्हें संतोष है कि हमने गुरु जी से निभाया, गुरु जी का आश्रय हमने पाया, हमें ये संतोष है कि हमने अपने जीवन में अश्रद्धा नहीं आने दी। खाली उसने यूं कहा कि फलाने मारा चेहरे पर जरा सा, मैंने फिर आंख उठा के नहीं देखा उसको। तुम्हारी ताकत हो तो मेरे गुरुजी की निंदा करके दिखाओ, फिर देखो मेरा रूप क्या होता है। मेरे गुरु की निंदा कोई करे फिर देखे कि मेरा रूप क्या है। है तुम्हारे में ताकत मेरे गुरुदेव की निंदा करके दिखाओ मेरे सामने, फिर मेरा रूप देखो, मेरा कोप देखो। अपने एक बार गुरु माना और उसकी निंदा सुने, वो शिष्य कहलाने के लायक रहा कि नहीं वही सोचे। रोज भक्ते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, जैसे ब्रह्मा सृष्टि करते ऐसे हमारे में सद्गुणों का संस्कार की सृष्टि करते, जैसे विष्णु पालन करते ऐसे सद्भावों का पोषण करते, जैसे शिव जी संहार करते ऐसे ही हमारी वासनाओं का संहार करते। नहीं तो क्या ताकत है, 15-15 साल रहे जवान जवान लड़के और संसार में विकारों में बड़ौदा कितना नजीक है, पत्नी है, 15 साल तक एक बंदा रहा नहीं गया तो कहां से आई बहादुरी। हिलाने वाले चाहे कुछ भी हो, उस आदमी में उस महाराज में तो क्या क्या भरा होगा। अच्छा हुआ कि मैंने पहली बार ही मुंह मोड़ लिया, नहीं तो हम, वो भी कोई साधारण नहीं था। नाव में बैठे, बोले पानी भरो बच्चे, पानी भरा, क्या है, बोले पानी, देखना आप दूध बना देता हूं, वो कुछ मंत्र पढ़ता, दूध लो पियो। वो भी ऐसा था, रिद्धि सिद्धियां होती है ऐसा। नीम करोली महाराज उनका नाम था, हनुमानगढ़ी नैनीताल। मीरा को कहा कि तू इतनी राज घराने की और चमार को गुरु बनाया, बोले मैं चाल चलूंगी अनूठी, निंदक जाए मरो जल मरो अंगूठी, अंगीठी, अंगीठी माना सिगड़ी। गुरु चरण री रज उड़ी उड़ी लागे मोहे, अंग बेनुड़ी मने भागे मल्यो सत्संग, राणारी वातो मने नी भावे, मो तो गुरु चरणे हरी भजू, मां मारू मन लाग्यू फकीरी मां, आश्रय लिया गुरु।